महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक बार फिर देश भर में प्रदेश का नाम रोशन किया है। देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राजस्थान एक बार फिर सिरमौर बना है। विभाग के निदेशक आईएएस अफसर पीसी पवन के मुताबिक प्रदेश में महिलाओं की सामाजिक स्थिति और लिंगानुपात में कम होता अंतर प्रदेश के लिए खुशखबरी है। इसको लेकर विभाग के निदेशक पीसी पवन ने से खास बातचीत की संवाददाता मनीष दहदीच ने। किसी भी राज्य की तरक्की का एक पैमाना होता है उस प्रदेश की महिलाएं और बेटियां कितनी सशक्त हैं, वो कितने खुशहाल हैं। ठीक इसी तरह से राजस्थान राज्य ने एक नया मकाम हासिल किया है महिला बाल विकास मामले में। जिस तरह से देश भर में एक टॉप का अवार्ड मिला है राजस्थान को। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खास बातचीत में महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक आईएएस अफसर पीसी पवन। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि राजस्थान फिर से टॉप आया है महिला बाल विकास को लेकर के। धन्यवाद। तो क्या कुछ स्कीम्स हैं जिनके जरिए फिर से राजस्थान एकदम टॉप पर रहा है देश भर में महिलाओं के विकास को लेकर के, और जिस तरह से रैंकिंग बढ़ी है राजस्थान को जो एक तरह से माना जाता था महिलाओं के खिलाफ, यहाँ पर जिस तरह से पहले अत्याचार होते थे, अब जाकर के परिस्थितियाँ बदलने लगी हैं पिछले 10 सालों से जिस तरह से देखते आ रहे हैं। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में विभाग द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। सबसे पहले वन स्टॉप सेंटर है। एक ही केंद्र पर पीड़ित महिलाओं को, हिंसा से पीड़ित हों चाहे दुष्कर्म से पीड़ित महिलाएं हो, उनको वन स्टॉप सेंटर पर चिकित्सा की सुविधा, कानूनी सहायता, ठहरने की सुविधा ये तुरंत प्रदान की जाती है। और इसके अतिरिक्त उनको पुलिस सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है ताकि वो अपनी कार्रवाई कराना चाहे तो शीघ्र करा सके। इसके अलावा जो राज्य सरकार ने कानून बना रखे हैं घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, इसके अंतर्गत हमारे हर जिले में असिस्टेंट डायरेक्टर और CDPOs इनको प्रोडक्शन ऑफिसर्स बना रखा है ताकि कोई भी महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित हो तो उसको तुरंत उनके द्वारा कार्रवाई करके न्यायालय में रिपोर्ट दी जाती है और न्यायालय से उनको पुनर्वास की सहायता दी जाती है। इसके अलावा कार्यस्थल पर महिलाओं का सेक्सुअल हेरासमेंट रोकने के लिए हर ऑफिस में एक स्थानीय स्तर की समिति गठित की हुई है जिसमें महिलाओं के साथ होने वाले किसी प्रकार की हरकतें या दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिए उनके तुरंत जांच की जाती है और उनकी सिफारिश के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार से एक जिला स्तर पर एक स्थानीय स्तर लोकल कमेटी बनाई हुई है जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जो इन समितियों के कार्रवाइयों पर मॉनिटरिंग करती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट, उनको लोन में सब्सिडी दिलाने के लिए कई प्रकार की योजनाएँ चलाई जा रही है। जो बालिकाएं शिक्षित हैं उनको कंप्यूटर एजुकेशन निःशुल्क दिलाई जाती है। RSCIT का 3 माह का कोर्स होता है जिसमें हमारे राज्य में लगभग हर साल 30 से 32 हज़ार बालिकाओं को ये निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जाता है। इसके अलावा जो बैंकों से लोन लेते हैं स्वयं सहायता समूह, उनको 50 हज़ार रुपये तक ब्याज पर सब्सिडी दिलाई जाती है। इस प्रकार के अनेक योजनाएं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। केंद्र की स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके अलावा जिस तरह से राजस्थान में बेटियों के प्रोत्साहन के लिए विभाग की ओर से क्या कुछ और प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बेटियां शिक्षा में भी अव्वल रहें और जिस तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं उनको लेकर के भी जो बालिका हैं उनका सर्वांगीण एक विकास हो सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना केंद्र सरकार की योजना है जो अपने राजस्थान के सभी जिलों में ये योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत जिलों में बेटी बचाओ के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए अभियान चलाए जाते हैं। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए स्कूलों में अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए अभियान चलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बालिकाओं के लिए ये योजनाएं चलाई जाती हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने बताया कि कई तरह की ऐसी योजनाएँ हैं जिनसे महिलाओं का और बालिकाओं का विकास हो सके, एक सबसे बड़ा है जिस तरह से राजस्थान हमेशा एक चीज़ के लिए बदनाम रहा था वो थी कुरीतियों को लेकर के, महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से हिंसा होती थी, जिस तरह की डायन प्रथा पहले चलती थी, सती प्रथा थी, लेकिन अब इस तरह की प्रथाएं नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक पिछड़े क्षेत्र हैं आदिवासी जो बहुल क्षेत्र हैं उनमें अभी तक भी इस तरह की कुछ प्रथाएँ देखने को मिलती हैं, अक्सर अखबारों में मीडिया में आती रहती है, तो विभाग की ओर से वहाँ पर जन जागरूकता करने के लिए और क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं? इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ रोकने के लिए डायन प्रथा के विरुद्ध अधिनियम बना हुआ है। जहाँ भी किसी महिला के खिलाफ इस तरह की शिकायत आती है कि वो किसी महिला को डायन बनाकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है तो ऐसे कार्य करने वालों के खिलाफ तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। हमारे विभाग द्वारा उस महिला को तुरंत पुलिस थाने तक पहुँचाया जाता है और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कराई जाती है। इसके अलावा बाल विवाह जैसी कुरीति को रोकने के लिए हर साल
अभियान चलाए जाते हैं हर जिले में, ताकि जो 18 साल से कम बालिकाओं का विवाह किसी जिले में ना हो सके, इसके लिए तहसीलदार और SDM बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बनाए हुए हैं, उनके द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है। ये थे हमारे साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक IAS अफसर PC पवन, जिनका कहना है कि साफ तौर पर जिस तरह से जो कुरीतियाँ थी उन पर एक तरह से रोक लगाने के लिए भी विभाग की ओर से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पर राजस्थान जिससे फिर से एक बार देश में अव्वल आया है इस अवार्ड को लेकर के, तो निश्चित तौर पर यहाँ जो विभाग के जो प्रयास थे वो रंग लेकर आए हैं। कैमरा पर्सन जितेश शर्मा के साथ मनीष दादीच, न्यूज़ इंडिया चैनल, जयपुर।